बंगट झुंझुनू सुदर्शन अखाड़ा मंडल समिति झुंझुनू में संत सम्मेलन वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। संत श्री योगी महंत चंद्रनाथ जी महाराज के सानिध्य में अखाड़ा मंडल समिति के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गणेश चैतन्य महाराज की अध्यक्षता में संत योगी चेतननाथ जी महाराज मुकुंदगढ़ के सिद्धेश्वर आश्रम संरक्षक चंचल नाथ जी टीला श्री ओम नाथ जी महाराज झुंझुनू संरक्षक संत योगी महावीर नाथ जी महाराज टाई आश्रम समिति महामंत्री श्री ओम नाथ रिजाड़ी धाम कोषाध्यक्ष योगी बने नाथ जी महाराज भूतपूर्व उपाध्यक्ष हेमंत दास महाराज संत गौतम नाथ संत देवनाथ संत छोटूनाथ संत विक्रमनाथ संत श्यामनाथ संत मोहननाथ महाराज की उपस्थिति में वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें महाराज श्री चंद्र नाथ जी महाराज ने विशेष सुझाव देते हुए कहा अखाड़ा कार्य समिति को पूरे राजस्थान में कार्य करना चाहिए, एक भक्त मंडल समिति भी बनाना चाहिए, साथ ही शिक्षा और पर्यावरण के विषय में ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए, गोरक्षा का प्रचार करना चाहिए, मठ मंदिरों की सुरक्षा विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता सेवक मंडल अयोध्या से आए निमंत्रण में पूरे भारत से जा रहे संतों में राजस्थान का नेतृत्व अखाड़ा के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गणेश चैतन्य महाराज को भी सभी संतों ने आशीर्वाद प्रदान किया। इसी के साथ कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। अब 27 तारीख की मीटिंग है, बट 28 तारीख की विश्व हिंदू परिषद की साथ ही संत है केवल आपने राजस्थान का, तो बाकी मुख्य उद्देश्य है मथुरा काशी। अयोध्या तो हो गया, अयोध्या सजा दी और मथुरा काशी बाकी है। अब उस उद्देश्य की है काशी तो सुधर गई जी। 28 केवल केवल है ना, अब अयोध्या अभी एक विकट बात और है। मतलब चलो बोल लो कौन सा जरा संत समाज बैठे आप ऐसे बुजुर्ग लोग बैठे बैठे नहीं तो आप लेकिन आप बुजुर्ग लोग बैठे तो जितने भी धार्मिक संगठन थे चाहे वो आरएसएस है बीजेपी है विश्व हिंदू परिषद है संघ है ये शास्त्र और संत के नेतृत्व में काम करते थे। अब है ना संगठन के विपरीत संत के विपरीत काम हो रहे। नहीं नहीं विपरीत भी नहीं, तो क्या है कि जो संत इनसे समझौता साधेगा उनको तो साथ रखेंगे, बाकी आप कहीं बात करने के लिए आपकी बात का वैल्यू नहीं करेंगे। राम मंदिर में भी शंकराचार्य ने अलग कर दिया ना भाई, शंकराचार्य भारत वैदिक धर्म का सर्वोच्च पद शंकराचार्य है, इन्होंने शंकराचार्य को साइड में करके प्रतिष्ठा कर ली।